बहुत ही जानी के दुखदायक खबर है सिंघू वाटर से फिर कुछ टेंटा झुग्गिया अग ला गई ये कह रहे थे जी एक मुट्ठी चावल हमको दे दो तो नुकसान तो बचाया बाकी पांच छह टेंट थी चाम का हराप होता है कड़कती हुई सर्दी में यहाँ पर रहे जिस तरह से जानवर जो बंधा हुआ है हमारा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरों बहुत ही जानी के दुखदायक खबर है सिंघू वाटर से फिर कुछ टेंटा झुग्गिया अग ला गई मतलब ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਛੇ ਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਵੀਰ ਸਾਹਿਬ हम लोग को कहा कि एक मुट्ठी चावल के साथ में आपकी वोट भी मांग रहे हैं। ये दिल्ली के लोग आए चमचमाती कोठियों में रहते हैं, आप इनसे कहो कि एमएसपी 20 की दे दो साथ साथ। ये गायब हो गए वहां से सारे और जब भी वहां पे खेला हुआ ये कहते हैं जी ममता बनर्जी से मिले, ममता बनर्जी से नहीं मिले हम मिले वहां की बंगाल की मुख्यमंत्री से। जैसे केंद्र सरकार में इनके मंत्री से मिलते हैं तो हमको बीजेपी के लीडर से मिलते हैं क्या? जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, ये भारत सरकार के मंत्री हैं। आप इनसे कहो ना किसी से कि हम बीजेपी के मंत्री हैं, ये यही कहने ना ये भारत सरकार के मंत्री हैं, हम इनसे इसलिए मिलते हैं। ये आंदोलन 8 महीने हो गए, जिस तरह से हमारी माताएं बहने हमारे बुजुर्गवार हमारे नौजवान बच्चे इस तपती हुई धूप में तपते हैं, बरसात में यहाँ पे क्या उनका हराप होता है कड़कती हुई सर्दी में यहाँ पर रहे जिस तरह से जानवर जो बंधा हुआ है हमारा जो ये निहंग हमारे संत हैं जिस तरह से अपने जानवर अपने घोड़े को यहाँ पे बांध के तपती हुई टींट के नीचे ये यहाँ पर रहते हैं। फिर इनको कहते हैं जिनको गुस्सा आता है, इनका जब जानवर तपता है तो गुस्सा आता है, इनका गुस्सा जायज है। ये गुस्सा उतरेगा आपके ऊपर, जब भी आप मिलोगे आपके ऊपर गुस्सा उतरेगा इनका, इस किसान का गुस्सा उतरेगा, वोट के माध्यम से उतरेगा, आंदोलन के माध्यम से उतरेगा। हम संघर्ष नहीं करना चाहते, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन करेंगे। जो किसान 8 महीने तक आंदोलन पर दिल्ली की जमीन पर बैठ सकता है, आप उसको चाहते हैं कि ये उठकर चला जाएगा? ये गलत फहमी है आपकी, ये किसान ना उठकर जाएगा जब तक इसके कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, वहां पर कमेटी नहीं बनेगा, ये किसान यहाँ से जाने वाला है नहीं। और 25 लाख आदमी भी हमारे हैं, ये 26 तारीख की जांच कोई देश में एजेंसी है कि 26 तारीख के कांड की जांच करवा दी जाए? ये फंसेंगे, ये जेल जाएंगे। हमने कहा कि देश में कोई एजेंसी नहीं है कि उसकी जांच कर दे, इनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, इन्होंने पूरे संसाधनों पे कब्जा किया है। अगर देश में बीजेपी की सरकार होती, अगर देश में कांग्रेस की होती, अगर देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो वह जरूर बात करती। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।